प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में चपरटीनाथ का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। जीवन परिचय। आदि काल के कवि चपरटीनाथ 84 सिद्धों में से एक थे, जिन्हें राहुल सांकृतायन की सूची में 59वां और वर्ण रत्नाकर की सूची में 31वां सिद्ध बताया गया है। इन उल्लेखों से विदित होता है कि चपरटीनाथ गोरखनाथ के परवर्ती और नागार्जुन के सामयिक सिद्ध थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि वे 11वीं 12वीं शताब्दी में हुए होंगे। रज्जब की सर्वांगी में इन्हें चारणी के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनका नाम चंब रियासत की राजवंशावली में खोज निकाला है। एक शब्दी में सत सत भाषंत श्री चरपट राव कहकर कदाचित चपरटीनाथ ने स्वयं राजवंश से अपने संबंध का संकेत किया है। राहुल जी ने चपरटीनाथ जी को गोरखनाथ का शिष्य मानकर इनका समय 11वीं सती अनुमानित किया है। नाथ सिद्धों की बानिया में इनकी शबदी संकलित है। उसमें एक स्थल पर कहा गया है, आई भी छोड़िए लैन जाइए लैन न जाइए, केहू गोरस कूता विचार विचार साइए। शब्दी में कई स्थलों पर अवधूत या शब्द का भी प्रयोग हुआ है। एक शब्दी में नागार्जुन को संबोधित किया गया है, कहें चपरटी सोण हो नागा अर्जुन। वर्ण विषय। एक श्लोक में पारद का यशोगान किया गया है और इसी संदर्भ में स्वर्ण या स्वर्ण भस्म बनाने की विधि का उल्लेख भी हुआ है, इसलिए चपरटीनाथ रसे स्वर सिद्ध कहे जाते हैं। चपरटीनाथ की किसी स्वतंत्र रचना का प्रमाण नहीं मिला। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी एक तिब्बती भाषा में लिखी कृति चतुर्भवा भीषण का उल्लेख किया है। नाथ सिद्धों की बानिया में चपरटीनाथ की 59वीं शबदियाँ और 5वां श्लोक संकलित है। इनका वर्ण विषय लौकिक पाखंडों का खंडन तथा कामिनी कंचन की निंदा आदि है।